प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब इलाज के लिए दवाइयां लेने को शहर नहीं दौड़ना पड़ेगा। उन्हें ये दवाइयां गांव में स्थित सहकारी सभा में ही मिल जाया करेगी। केंद्रीय जन औषधि योजना के तहत इस नई पहल को शुरू किया जा रहा है। जल्द ही ये योजना प्रदेश भर में शुरू होने वाली है। इसके लिए पहले चरण में 51 सहकारी सभाओं का चयन किया गया है। इनमें से 3 सभाओं को शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी सरकार से मिल गई है, जिसमें 2 सहकारी सभाएं सोलन जिले की और तीसरी हमीरपुर की कुठेड़ा सहकारी सभा शामिल है। अगर ये ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा तो प्रदेश की अन्य सहकारी सभाओं में भी चरणबद्ध तरीके से जेनरिक दवाएं उपलब्ध हो पाएगी। प्रदेश सहकारी सभाएं विभाग के उप पंजीकीय प्रत्युष चौहान ने बताया कि प्रदेश में अब जेनरिक दवाइयां और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ सिलेक्टेड सहकारी सभाओं पर मिलेंगे। इस सुविधा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दवाइयां मार्केट रेट से 80-90% कम दाम पर लोगों को मिलेगी, जिससे उनका दवाइयों पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो जाएगा। जो जेनेरिक मेडिसिन्स हैं हमारी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नॉर्मली लोगों को प्राइवेट मेडिकल शॉप से लेने पड़ते हैं, वो जो मेडिसिन्स और वो सर्विसेज हैं वो सारी सोसाइटी के माध्यम से लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें क्या है कि मार्केट रेट से इवन 80-90% कम दरों पे जो है वो दवाइयां जो है लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। हिमाचल में करीब 50-51 सोसाइटीज़ ने अप्लाई जन औषधि के लिए किया हुआ है। इसमें 3 सोसाइटीज़ को हमारी जो है ड्रग लाइसेंस भी इशू हो चुका हुआ है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद। तो उसमें हमीरपुर की एक कुठेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 2 सोसाइटीज़ जो हैं वो जिला सोलन की हैं। तो शीघ्र ही वहाँ पे फार्मासिस्ट वगैरह जो है वो अपॉइंट हो चुका है उधर, और वो शीघ्र ही आने वाले कुछ समय में अपना जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट इसमें कर देंगी।